शायद मुझे उससे बात करनी चाहिए और उसकी मदद करनी चाहिए मेरी फीलिंग्स के बारे में। खैर, उसे तो पता ही है। ये सही फैसला है। और तो और, याना और एंड्री का रिश्ता भी ठीक नहीं चल रहा है। पहले उन दोनों ने अपनी शादी डाल दी और अब एंड्री पोलैंड में काम करने जा रहा है। तुमने मेरी बात नहीं सुनी। मैंने कहा पैसे वापस लो। तुम कभी भी अपनी बहन की जिंदगी में दखल मत देना। अगर जरा सी भी शर्म बची है तो होश में आ जाओ और नॉर्मल जिंदगी जीने की कोशिश करो। अब अपने पैसे लो और निकल जाओ यहाँ से। मैं अपने बर्ताव के लिए माफ़ी मांगना चाहती हूँ और मेरे उस वीडियो को पब्लिक करने की वजह से जो मुसीबतें तुम्हारे परिवार के साथ हो रही हैं। मुझे नहीं पता कि तुमने ऐसा क्यों किया, लेकिन मैं तुम पर गुस्सा नहीं हूँ, ये सच है। और ये दूसरा है। हमें इस जमीन से कुछ सैंपल्स लेने चाहिए, खून के सैंपल्स। हमारे पास मौके बहुत कम है क्योंकि बहुत ज्यादा टाइम बीत चुका है, मगर फिर भी चिंता मत करो, हम अच्छे से छानबीन करेंगे। और अगर हम खुशकिस्मत, मैं क्या कह सकता हूँ, असल में कोई दिक्कत नहीं, लेकिन सच बताऊं तो मैं अपनी बहू की सेहत के बारे में चिंतित हूँ। अब मेरी बीवी और मैं असल में आशा कर रहे हैं कि हमारा पोता हो, लेकिन उसने अपना बच्चा खो दिया। एंड्री तुमसे प्यार करता है, लेकिन तुम उसे बेवकूफ बना रही हो। तुम उससे शादी करने के लिए मान गई थी और फिर तुमने अपना मन बदल लिया। एक दिन तुम उसे देखकर मुस्कुराती हो, अगले दिन तुम फोन का जवाब नहीं देती हो। मैं उसे ऐसे सहते हुए नहीं देख सकती। क्या आप सच्चाई जानना चाहते हैं डैड? मैं आपको बताऊंगी। मेरा नाम दिशा, मुझे नहीं पता था वो यहाँ पर है। जब मैं घर पे आई तो मैंने एम्बुलेंस बुलाया, लेकिन वो नहीं आ पाई है। दिशा, तुम शांत हो जाओ, कुछ नहीं हुआ है, डॉक्टर को बुलाओ।